नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल सेल्फ इंडक्शन। लिखते हैं इंडक्शन। इसी से रिलेटेड हम लोग ये भी पढ़ेंगे भी, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, ये भी आएगा ना। देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, ये सब बातें पढ़ेंगे, है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं ना। देखिए सपोज अपने पास एक क्वायल है जिसका कि और भी टर्न है इस तरीके से, है ना। तो अगर आप इससे करंट कंसीडर करोगे ना, मैं इसको जो भी कंसीडर करिएगा करंट हम लोग मान लेते हैं आई, है ना, तो ये इस तरीके से जाता रहेगा। अब देखो सिंस ये तो एक ही कॉइल है, और बात ऐसा है कि अगर मैं लिखता हूं इसको सी वन और इसको मैं सी टू लिखूं, हाँ, जबकि है दोनों एक ही नहीं है, तो अगर हम लोग लिखें कि इफ, हाँ, करंट चेंजेस इन क्वाइल सी वन, हाँ, देन कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन फ्लक्स थ्रू सी टू, सी टू विच इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सी वन। देखिए बात ऐसा है ना कि अगर सी वन पहला कॉयल को हम लोग कंसिडर करें, पहला टर्न को कंसिडर करें, तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल होता है, एक क्वाइल में करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। और अगर बात करें कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि किसका है, इसका है, है ना। आप चाहें तो मैं यहां पर थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं कि ये यहां पर बी वन है इसकी वजह से, तो जो आपका फ्लक्स आएगा सी टू से, जो फ्लक्स इसका आएगा, हाँ, तो इसका जो फ्लक्स आएगा फॉर सी टू लिखेंगे, तो जो फ्लक्स आएगा वो आप समझते हैं कि वो बी पर डिपेंड करेगा ही, वो तो होता है कि बी डॉट डी एस, तो ये जो बी है ये तो बी वन है ना, बिल्कुल ना। देखिए फ्लक्स अगर आप बात करोगे ना कि क्वाइल टू से, तो वो आपका डिपेंड करता है बी वन पर, बिल्कुल इसका मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। या हम इसी बात को क्या लिखते हैं ना कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आता है, हाँ, एज यहां पर भी लिख सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, बी वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आएगा, हाँ, तो आप जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये यही चीज लिखते हैं, क्या है, देखिए जो फ्लक्स होता है थ्रू द क्वाइल वो उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, एंड इसी चीज को हम लोग फ्लक्स को लिखते हैं एल एंड आई, वेयर एल ही जो है वही हमारा होता है सेल्फ इंडक्टेंस। समझ रहे हैं, बिल्कुल सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ अब बात ऐसा होता है, देखिए बात ऐसा होता है कि ये तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, क्या होता है कि अगर आप इसके करंट को चेंज करेंगे, मतलब इसके फ्लक्स को चेंज करेंगे, बिल्कुल चेंज होगा, तो ये अपोज करेगा और ये अपोज करेगा सो दैट कि ये चेंज ना हो, क्या है, देखिए
इट इज डिफाइंड एज एज द फ्लक्स पर यूनिट चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट करेंट एज अ रिजल्ट द चेंज इन हाँ जी देखते हैं एज अ रिजल्ट द चेंज इन करेंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वाइल क्वाइल इफ हाँ रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वाइल एज अ रिजल्ट द चेंज इन करंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स थ्रू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वाइल चेंजेस एंड द चेंज इज अपोज्ड बाय द रिमेनिंग पार्ट रिमेनिंग पार्ट विच इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस हाँ देखिए बात ऐसा है ना कि इसका जो चेंज था मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा था तो अब ये चेंज होगा तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और वो इस तरीके से होता है कि चेंज का क्या करे अपोज करे कैसे देखिए एज अ रिजल्ट चेंज इन करंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स थ्रू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉइल चेंजेस एंड इज अपोज्ड बाय द रिमेनिंग पार्ट विच इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस ठीक है ना वो जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस नाउ बाय कैसे induced EMF and corresponding induced current लिख सकते हैं induced current है ना ना देखिए numerically तो हमने ये define कर दिया flux की value ऐसे लिखते हैं क्या होता है in total ना कि देखो एक क्वाइल के एक पार्ट में अगर चेंज होता है तो उसी क्वाइल का दूसरा पार्ट जो है ना वो उस चेंज को अपोज करता है हाँ और अपोज समझ ही रहे हैं ऐसे करता है कि वो उस चेंज का क्या करे विरोध करे एंड यही बात हम सेल्फ इंडक्टेंस बोल देते हैं मतलब एक पार्ट में जो चेंज होता है वो दूसरा पार्ट उसी का दूसरा पार्ट जो है वो अपोज करता है एंड विच इज नोन एज वॉट सेल्फ इंडक्टेंस लिख सकते हैं लास्टली हम है ना देखिए द फ्लक्स या हम लिख सकते हैं करंट द फ्लक्स चेंज इन वन पार्ट
ऑफ क्वाइल इज अपोज्ड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेम क्वाइल. हाँ, विच इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस, बिल्कुल. नाउ न्यूमेरिकली हमने ऐसा समझाया है, ये आता है. और कभी भी अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े, गिवन बाय सेल्फ इंडक्टेंस लिख सकते हैं, गिवन बाय एल आई एज फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये लिखते हैं ना. देखिए, कभी भी अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस लिखने की कोशिश करें तो हम लोग लिखेंगे फ्लक्स, और जो आई के अलावा जो टर्म आएगा वो सबका सब हमारा क्या होता है, एल. देखिए, इससे रिलेटेड अगर हम लोग कुछ बात करें या हम लिखते हैं, जनरल नोटेशन की अगर हम बात करें, सर्किट नोटेशन पर अगर हम जाएंगे तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये एल. जैसे रजिस्टर लिखते हैं, कैपेसिटर लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, है ना, ये इस तरीके से हम लोग रजिस्टर लिखते हैं ना, इस तरीके से कैपेसिटर लिखते हैं. हाँ सॉरी, कैपेसिटर नहीं है, बैटरी का भी नोटेशन है. तो इसी तरीके से हमारा इंडक्टर का ये नोटेशन है. राइट, नाउ अगर हम न्यूमेरिकल बात पर जाएं या अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ पर जाएं, तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हम लोग लिखें, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा है डी फाई बाई क्या डीटी, लिखते हैं. है ना, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो ये अगर e की वैल्यू लिखते हैं तो हम जानते हैं माइनस डी फाई बाई क्या डी टी, एंड फ्लक्स हम लोग लिख रहे हैं एल इंटू आई. नाउ माइनस डी एल आई बाई डी टी. देखिए वैसे तो l भी चेंज हो सकता है, बट क्या है ना, एल डी आई बाई डी टी ये लिखते हैं क्या, एज l डिपेंड्स अपॉन, हाँ जी, ज्योमेट्री ज्योमेट्री नंबर ऑफ टर्न मीडियम, हाँ, एल डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री नंबर ऑफ टर्न मीडियम, बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन करेंट और फ्लक्स जो भी दे रखा है. ऐसे देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग ये देख के लगता है कि एल जो है वो आई पे डिपेंड कर जाएगा या फ्लक्स पे, ऐसा नहीं होता. ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पे, मीडियम पर, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. वो करंट और फ्लक्स इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता. हाँ जी, हम लोग निकालेंगे भी, और ये हमारा है माइनस एल डी आई बाई डी टी. माइनस साइन आप समझ ही रहे हैं, ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है क्या कि आपका अपोज करता है ना चेंज का. एनीवे, ये
इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टिंग क्वाइल या हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए, अगर हम लोग लिखें कि हाँ जी, अगर हम लोग बात करते हैं कैसे लिखेंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट या नेटवर्क में, देखिए अगर आपको ऐसा दिया है करंट आई, हाँ जी, और करंट अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देना है, बढ़ने नहीं देना है तो हमारा करंट किधर डेवलप होना चाहिए, मतलब ईएमएफ ऐसा होना चाहिए, हाँ जी, और ये आपका इंड्यूस्ड है, समझ रहे हैं। तो क्या लिखेगा, प्लस, हाँ जी, माइनस एल डी आई बाई डी टी एज, हाँ जी, जो भी लिख रखे हैं वो तो हम लोग लिखेंगे ही, है ना, पहला ना, ठीक है, ऐसा आप लिखिए प्लस माइनस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडक्टिंग क्वाइल में करंट इधर ही है लेकिन ये घट रहा है, हाँ जी घट रहा है, तो अभी तो इस बार घटने भी नहीं देना है, तो घटने नहीं देना है तो आपको ऐसा होना चाहिए। हाँ ध्यान से, तो अगर हम लोग लिखेंगे तो इधर माइनस और इधर प्लस है, हाँ जी, और ये एल डी आई बाई कितना डी टी, बी केयरफुल ऐसे लिखना, समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये घट रहा है तो अपने आप ही ये नेगेटिव आएगा, आई डिक्रीजिंग है ना, तो दिस इंप्लाइज कि डी आई बाई डी टी क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, समझ रहे हैं। देखिए मैं बोल रहा हूं आप ऐसे ना लिखेंगे ना यूज करेंगे, हम लोग चुपचाप क्या करते हैं, ये चीज करते हैं, क्या दे रखा है नहीं दे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जो करंट का डायरेक्शन है आप उस डायरेक्शन में प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख दीजिए, हाँ जी एल डी आई बाई डी टी ना। देखिए अगर बिल्कुल कोई मैग्नीट्यूड ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अगर करंट बढ़ रहा होगा तो यही रहेगा, काम खत्म, और अगर करंट घट रहा होगा तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब टर्मिनल उल्टा हो जाएगा, मतलब यहां आ जाएगा। तो हम लोग देखिए इसी चीज को लेके चलेंगे और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इतने से डिक्रीज हो जाता है, सीधा सीधा, है ना, जैसे हम लोग रजिस्टर में लिखते थे कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है कितने से, आई आर से, इसी तरीके से इंडक्टर में भी अगर लिखेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है प्लस माइनस एल डी आई बाई क्या डी टी, राइट ना, पोटेंशियल डिफरेंस एनी वे। अगर कुछ और टर्म के बारे में बात करें तो भी लिख सकते हैं, देखते हैं एक दो और टर्म है इससे रिलेटेड। है ना, एनर्जी स्टोर्ड, देखिए हम इसी तरीके से चलते हैं, आई है प्लस माइनस एल डी आई बाई क्या डी टी। एनीवे अगर हम लोग पावर की बात करें,
आई इंटू वी होता है। आता है बिल्कुल। और ये होता है एनर्जी बाई टाइम, बाई वॉट टाइम, दैट इज डी यू बाई डी टी। तो डी यू बाई डी टी जो है, जो पावर हम लोग लिख रहे हैं, वो आई एल डी आई बाई कितना डी टी। नाउ यही तो वोल्टेज है ना, हाँ जी, जो इंड्यूस्ड है वही वोल्टेज जो कि हाँ कितना एल डी आई बाई डी टी जो हमने लिख रखा है ना। तो डी यू देखिए एल आई डी आई बाई डी टी इंटू डी टी, हाँ जी, जीरो से यू मानना है, यू मान लीजिए, तो करंट जो है जीरो से आई तक, तो ये यूज हो गया। एल कांस्टेंट है, वैसे भी करंट वगैरह पर डिपेंड नहीं करता है। आई डी आई ये आ गया आई स्क्वायर बाई टू, जीरो से आई, एंड आप लिख लीजिए हाफ एल आई स्क्वायर, हाँ जी। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टिंग कॉयल कॉरस्पॉन्डिंग टू द करंट, है ना। नाउ जैसे हमारा कैपेसिटर में आता था क्यू स्क्वायर बाई टू सी, या ऐसा जो भी हम लोग लिखते थे, बैटरी में भी लिखते थे, एनर्जी स्टोर करते हैं, है ना, इसी तरीके से इंडक्टिंग कॉयल में भी एनर्जी स्टोर होता है। कैसे लिख लीजिए थोड़ा सा और इसके बारे में, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टिंग कॉयल इन द फॉर्म ऑफ करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू, हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमारा एनर्जी था, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़े हैं, ये हमारा एनर्जी जो है वो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, और ऑफ कोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होता है, राइट। नाउ एक टर्म और होता है, हम लिख देते हैं, ठीक है, अगर करंट आई है तो आप इतना एनर्जी उसमें लिख सकते हैं। एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं या करे भी हैं, एनर्जी डेंसिटी, अगर मैं एम लिखता हूं तो ये एनर्जी डेंसिटी जो हम लोग लिख रहे हैं वो है तो आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन ये है मैग्नेटिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ, और ये आपका हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ऐसा, हाँ, फ्री स्पेस के लिए या ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, एम लिख रहे हैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड का है। आपको ध्यान हो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हम लोगों ने लिखा था और वो आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाँ जी, फॉर वैक्यूम। फॉर अ मीडियम लिखेंगे तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर, फॉर अ व्हाट मीडियम, है ना। तो ये इस तरीके से, ऑफ कोर्स ये आपका जो आता है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, सॉरी डी यू बाई डी वी,
हाँ जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनीवे ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग। और आप इसका भी कोई ज़्यादा ये नहीं है, या कई बार अगर पूछता है कि ये कैसा एनर्जी है थ्योरेटिकली, या कहाँ से है, या कैसे स्टोर होता है, तो हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं, राइट।